बात करते हैं बर्मा की मशहूर नेता आंग सान सू की भारत, जो कि आजकल एक हफ्ते के भारत के दौरे पर हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री सोनिया गांधी और बड़े नेताओं से मुलाकात की, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले उनका जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल लेक्चर हुआ है, जिसमें उन्होंने भारत के साथ अपने रिश्तों को दोहराया। साथ ही ये बात भी कही कि एक दौर में भारत ने बर्मा की तरफ से आंखें फेर ली थी। आंग सान सू की को इस बात का कुछ मलाल भी है कि संकट के एक दौर में भारत उनसे कुछ दूर हो गया। That we had drawn away from India, or rather that India had drawn away from us during our very difficult days. But I always had faith in the lasting friendship between our two countries, based on lasting friendship between our two peoples. दिल्ली के विज्ञान भवन में जवाहरलाल नेहरू स्मृति व्याख्यान देते हुए बर्मा की मशहूर नेता आंग सान सू की ने बार बार भारत की विरासत को याद किया, अपने साथ इस रिश्ते का जिक्र किया। Our movement for democracy in Burma is firmly rooted in the principle of non-violence that Gandhi made into an effective political force even against the most powerful opponents. His influence on my political thinking is widely recognized. Whenever she went to India, or whenever he came on official visits to Burma, he made her feel his concern for her well-being and the well-being of her children. I may even have been taken to see him, to meet him during one of his visits, but I can only remember seeing him for the first time in Delhi railway station when I was about 16. 67 साल की आंग सान सू की बीते 50 सालों में नेल्सन मंडेला के अलावा दुनिया की दूसरी सबसे मशहूर राजनीतिक कैदी रही। 15 बरस उन्होंने नजरबंदी में गुजारे। 1988 में बर्मा में लोकतंत्र बहाली के आंदोलन से जुड़ी। When I joined the movement for democracy in 1988, the whole country was in a state of upheaval, and my major concern was to try to unite the myriad political groups that had emerged from the cracks in totalitarian rule into a strong, coherent force for democracy. 1991 में सू की को नोबेल सम्मान मिला, 1952 में जवाहरलाल नेहरू सम्मान, लेकिन तब सू की जेल में थी। भारत वो तब आई थी जब उनकी माँ यहाँ राजदूत थी और कुछ समय आंग सान सू की ने लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ाई भी की थी। अब इस दौरे पर वो गांधी और नेहरू की समाधि पर गईं, सोनिया, मनमोहन और दूसरे नेताओं से मिली और आखिरकार उन्होंने भारत से अपने पुराने रिश्तों को नए सिरे से बहाल किया।